तो यहाँ पर अगर हम कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, मान लीजिए मैंने सर्च बार पर क्लिक और यहाँ पर हम व्यूज कैसे बढ़ा ये सर्च कर लेते हैं, जैसे कि मैंने व्यूज कैसे बढ़ा यूट्यूब पर ये सर्च किया, अब यार यहाँ पर हमको वीडियो मिलेगी। जैसे हमने इस वीडियो को क्लिक किया, अब इस वीडियो को हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो ज्यादातर इसी चैनल की वीडियो मिलेगी जिस चैनल वीडियो को हमने क्लिक किया, जैसे स्प्रेडिंग ज्ञान नाम को जो चैनल है उसकी वीडियो हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक काथ किसी और की दिख रही, बाकी ये सारी सारी वीडियो जो है वो इसी चैनल की दिख रही है। लेकिन अगर हम अपनी खुद की वीडियो पर क्लिक करते हैं, अगर हम खुद की वीडियो पर क्लिक करें तो शायद हमारी जो वीडियो के नीचे सजेस्टेड में हमारी वीडियो कोई कोई दिखेगी, एक से दो दिख जाएंगी, बाकी की जो वीडियो होंगी वो अलग चैनल की होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये कौन सी ट्रिक का यूज करते हैं जिसकी वजह से अगर कोई बंदा इनकी वीडियो पर क्लिक करता है तो इनकी वीडियो के नीचे सिर्फ इन्हीं की वीडियो दिखाई जा रही है और किसी की नहीं दिखाई जा रही, बाकी सारी की सारी वीडियो इसी चैनल की दिखाई जा रही है। तो गाइस हम कौन से ट्रिक यूज कर सकते हैं जिससे हमारा भी इसी प्रकार से हो जाए कि कोई भी न्यू व्यूवर्स अगर हमारी किसी भी वीडियो को क्लिक करे, अब उस वीडियो को क्लिक करते ही उसके नीचे हमारी सारी की सारी चैनल की वीडियो आ जाए। तो गाइस ऐसा करने के लिए एक सीक्रेट का यूज करना होगा जो इस चैनल ने पहले कर रखा है और ये सीक्रेट मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और गाइस इससे फायदा तो बहुत है, कोई भी न्यू व्यूवर्स आएगा वो अगर हमारी एक वीडियो को देखेगा उसके बाद में नीचे और ज्यादा सजेस्ट करने लगेगा, उसको देखेगा फिर और नीचे सजेस्ट करेगा, इस प्रकार से हमारे जो व्यूज है वो हर वीडियो पर बढ़ेंगे, एक पर नहीं सारी वीडियोस पर बढ़ेंगे। और ऐसा इस चैनल के साथ भी हो रहा है कि न्यू व्यूवर्स अगर एक वीडियो को क्लिक करता है तो एक वीडियो को क्लिक करने के बाद सारी वीडियो को धीरे धीरे देख लेता है। तो गाइस ये ट्रिक कौन सी है, कैसे यूज करते हैं, बहुत सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। इससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो आपको सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल उसको ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर मिलते रहते हैं, छोटे छोटे क्रिएटर की हेल्प भी होती रहती है। गाइस मैं हम किसी भी वीडियो को क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने इस वीडियो को क्लिक किया, इस वीडियो को हम पोस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इस वीडियो को यहाँ पर बंद किया, इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमको सबसे पहला जो हैशटैग मिलेगा वो मिलेगा स्प्रेडिंग ज्ञान, यानी कि चैनल के नाम का हैशटैग मिलेगा। उसके बाद में सब्सक्राइब करके आल दबा देना हेल्प मिलेगी आपको। ये जो हैशटैग है वो आपको हर एक वीडियो में मिल जाएगा, इनकी हर एक वीडियो में मिल जाएगा, चाहे कोई भी वीडियो, ये हैशटैग आपको हर एक वीडियो में मिलेगा। और यही कारण है कि इनकी वीडियो हर वीडियो के सजेस्टेड में जा रही है, यानी कि कोई भी वीडियो आप क्लिक करेंगे तो इनकी ही वीडियो सिर्फ आपको सजेस्टेड में दिखेंगी, बाकी किसी की वीडियो आपको नहीं दिखेंगी। और यही एक सीक्रेट है, कैसे यूज करना है वो बताता हूँ यार। अगर आप ये सीक्रेट का यूज करेंगे हो सकता है कि हम गलत तरीके से कर लें जिससे आपकी वीडियो सजेस्टेड में ना जाए, और अक्सर लोग करते भी हैं, करते तो हर कोई बंदा करता है लेकिन इस सीक्रेट का यूज नहीं करता, वो सोचता है कि यार ये काम करेगा लेकिन वो काम नहीं करता। तो गाइस करना क्या है वो गाइस मैं आपको यहाँ पर बाइटी स्टूडियो ऐप में जाकर के बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बाइटी स्टूडियो ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम किसी भी वीडियो को लेते हैं, किसी भी वीडियो को लेते हैं, यहाँ पर ही हम दो प्रकार से सीक्रेट का यूज कर सकते हैं, एक तो टाइटल में, दूसरा डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैं इस वीडियो को एडिट पर क्लिक करता हूँ, अब एडिट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका चैनल है, क्योंकि यहाँ पर हमको टाइटल मिलता है, टाइटल में अगर जगह बच जाती है, 100 वर्ड लिखने को मिलते हैं, अगर टाइटल में थोड़ी भी जगह बच जाती है तो हमको यहाँ पर हैशटैग लिखना, हैशटैग लगाने के बाद हम कोई भी यहाँ पर वर्ड्स दे सकते हैं, जैसे 557 हो गया, 0.01 हो गया, इस प्रकार से हमको दे देना। जैसे हमने 557 कर दिया, अब 557 कर दिया, यहाँ पर गाइस हमने इसको क्लिक कर दिया, अगर टाइटल में जगह नहीं रहती तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे हैशटैग यहाँ पर हम देकर के 557 लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 557 हमने 657 यहाँ पर है, तो गाइस इस प्रकार से हम 657 यहाँ से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टाइटल में दे दिया, टाइटल में जगह नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने इस वीडियो को पब्लिक कर दिया, हैशटैग 657 यहाँ पर है, तो इस वीडियो का हैशटैग 657 है टॉप पर देना जिससे आपकी वीडियो सजेस्टेड में जाए, हैशटैग 657 है। जब आप अगली वीडियो को अपलोड करें तो हैशटैग 657 की जगह 58 कर देना, और अगली वीडियो अपलोड करें तो 658 की जगह 59 कर देना, 60 कर देना, 61 कर देना, 62 कर देना। इस प्रकार से क्या होगा कि आपकी हर एक वीडियो का जो न्यू हैशटैग बनता जाएगा, न्यू हैशटैग बनता जाएगा, और आपका जो ग्रोथ है वो अप में जाएगा, यानी कि आप हैशटैग को यूज कर रहे हैं और आपने 57, 58, 56, 55 इस प्रकार से किया है, तो गाइस आपकी वीडियो उस वीडियो को सजेस्टेड में जाएगी। जैसे इस वीडियो को कोई बंदा देखेगा तो इस वीडियो के नीचे या तो फिर 57, 56 की जाएगी, 58 की जाएगी, 59 की जाएगी, 60 की जाएगी। और गाइस अगर आप इन कीवर्ड्स का यूज नहीं करते, जैसे 657, 58 का यूज नहीं करना चाहते, तो आप अपने हैशटैग जो चैनल का नाम है, मान लीजिए मेरा यूपी स्मार्ट टिप्स चैनल का नाम है, जैसे मैंने यूपी स्मार्ट टिप्स लिख दिया, यूपी स्मार्ट टिप्स, ये तो हमारे चैनल का नाम हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर यूपी स्मार्ट टिप्स पूरा चैनल का नाम नहीं देंगे, हम यहाँ पर 0.1 कर देते हैं,
पहली वीडियो में 0.1 कर देते, दूसरी वीडियो में 0.2 कर देंगे, तीसरी वीडियो में 0.3 कर देंगे, इस प्रकार से हमको कर देना। और हर वीडियो पर हमको अलग अलग से हैशटैग देना, यानी कि एक पे एक दिया, दो दिया, तीन दिया, चार दिया, पांच दिया, इस प्रकार से हमको हर वीडियो में हैशटैग इसी प्रकार से देना। अब क्या होगा कि कोई भी बंदा हमारे किसी भी वीडियो को देखेगा, चाहे वो 5 हैशटैग वाली देखे, चाहे 6 हैशटैग वाली देखे, चाहे 7 हैशटैग वाली देखे, किसी भी हैशटैग वाली देखेगा तो उसके नीचे सजेस्ट करेगा, YouTube सजेस्ट करेगा कि आपने 6 हैशटैग वाली देखी, तो या तो फिर वो 5 वाली करेगा, 3 वाली करेगा, 2 वाली करेगा, 1 वाली करेगा, इस प्रकार से करेगा, क्योंकि YouTube को लगेगा कि इस वीडियो से रिलेटेड ये वीडियोस हैं, तो YouTube खुद उस वीडियो को सजेस्ट करेगा। और ऐसा ही इस चैनल के साथ हो रहा है, जो स्प्रेडिंग ज्ञान नाम का जो चैनल है, इसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि हर वीडियो में उनका एक ही हैशटैग मिलेगा, सब्सक्राइब करके आल दबा देना, हेल्प मिलेगी आपको। ये जो हैशटैग वो आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, जैसे मैं इस हैशटैग पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप वीडियो देख लीजिए, 25 के वीडियोस हैं और 4.9 के चैनल्स हैं, और इन जो हैशटैग ये जो है, इसमें आपको हर वीडियो में इनके हैशटैग मिलेगा, ये सेम हैशटैग मिलेगा। तो मैंने आपको सीक्रेट बता दी कि कैसे यूज करना, चाहे आप कोई भी हैशटैग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 57, 58, 59 ऐसा बनाना है, आप जो समझ में आए, जो माइंड में आपकी सोच में आए, वो आप हैशटैग बना लेना, लेकिन हाँ सेम रखना है, हर वीडियो का आपको हैशटैग सेम रखना है, जिससे यूट्यूब आपकी वीडियो को सजेस्ट करे तो उसी हैशटैग के ऊपर करता रहे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अगर आप चैनल का बनाना चाहते हो तो चैनल का भी आपको बना लेना, अगर चैनल का नहीं बनाना है, जिस प्रकार से आपको बनाना है उस प्रकार से बना लेना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पर करते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके भी जाना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब